लेकिन दोस्तों मैं हूं काश और आपको वेलकम करते हैं बजदिन को प्लेनेट पे। आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या है और ये बर्ड को देना क्यों ज़रूरी है और ये कब देने चाहिए और किस तरह देने चाहिए। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरियस बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, एक वो जो बर्ड्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं और एक वो जिनसे बर्ड्स बीमार पड़ते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरियाज का तमाम बर्ड्स की गजा और जिस्म में मौजूद होना इनकी सेहत की जमानत है। जैसा कि आंतें जो है खुराक को हजम करने के साथ साथ खुराक में मौजूद जो अज्जा होते हैं उनको खून में शामिल करने का भी काम करती हैं। अगर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद कम हो जाएगी तो बैड्स बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से बर्ड्स का बीमार होने का जो खदशा होता है वो भी बढ़ जाता है। तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाने की वजह से जो बर्ड्स का इम्यून सिस्टम होता है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो खुराक जो है वो सही से हजम नहीं होगी। तो जहरी सी बात है, इससे बर्ड्स आपका सीप में जाएगा, सोखड़े में जाएगा और आपको अच्छी ब्रीड नहीं मिलेगी। स्पेशली आपने प्रोबायोटिक्स जब बर्ड्स के चिक्स निकले हुए हों तो उस वक्त आपने बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स यूज़ करवाना है। इससे जो है चिक्स की जो हैचिंग होती है, जब हैचिंग स्टार्ट होती है तब भी हैचिंग भी ज़बरदस्त होती है और चिक्स की ग्रोथ जो होती है वो अच्छी होती है और जो डेथ रेशो होती है वो कम हो जाती है। कि जब भी कोई बर्ड्स बीमार होता है तो हम उसे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं, तो एंटीबायोटिक की वजह से बॉडी में जो भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो भी साथ मर जाते हैं, तो इसलिए हमें प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी बर्ड सर्वाइव हो जाता है, वो बेहतर हो जाता है, तो उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसका इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोबायोटिक्स बहुत सारे कंपनियों के जो है मार्केट्स में अवेलेबल हैं, पोल्ट्री के भी, वो भी आप बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोबायोटिक्स हैं वो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर देता हूं और आपको यूज़ भी बता देता हूं कि आपने यूज़ किस तरह करना है। तो ये प्रोटेक्सिन है जो कि मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं, आपको किसी भी पोल्ट्री की शॉप से मिल जाते हैं। तो ये आपने यूज़ करना है 1 ग्राम जो होता है पर लीटर में, आपने वीक में एक बार बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और अगर आपने किसी बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया तो उसे भी आपने ये कोर्स प्रोबायोटिक्स का उसके बाद करवाना है। वैसे आप नॉर्मली जो है वीक में एक मरतबा जो है पानी में 1 ग्राम मिक्स करके आप जो है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।